सदर थाना पुलिस अपराधियों और तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में शहर में सक्रिय चोरों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई हुई है। एसपी ऋषभ झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में पुलिस की विशेष छापेमारी टीम ने शहर के धंगर टोली व महुआ चौक इलाके से दो शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार चोरों के पास से शहर के पोस्ट ऑफिस चौक स्थित एक घर से चुराए गए सोने का एक चेन, रोल गोल के आभूषण व 29,200 रुपये नकद बरामद किए हैं। सदर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ ने बताया कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि पोस्ट ऑफिस चौक पर रात के अंधेरे में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर शहर के विभिन्न इलाकों में छुपे हुए हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक लव कुमार के अलावे प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर व सशस्त्र बल को शामिल किया गया था। पिछले दिनों चोरी की घटनाएं में काफ़ी वृद्धि हुई थी, लोगों ने टीम वर्क बना करके थाना प्रभारी ने काफ़ी मेहनत किया इसमें, वरीय पदाधिकारियों का भी निर्देश रहा है। उसमें भी एक चोरी का जो दो चेन है वो बरामद हुआ है और उसके साथ में जो खरीद फरोख्त कर रहे थे वो गलत तरीके से चोरी का सामान खरीदने में एक लोग और गिरफ्तार हुए, दो गिरफ्तारियां उसमें भी है। 29,500 रुपये का सीजर हुआ है और दो चेन की बरामदगी हुई है। ये चेन की गिरफ्तारी हम लोग लगातार लगे हुए थे कि कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और उसमें जब सामने आया नाम तो आकिब करके है, वो यहीं का रहने वाला चतरा का है, उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके निशानदेही पर सारा चेन बरामद हुआ और जहाँ वो चेन बेचने के लिए गया था उसके साथ में वहाँ से पैसे की भी बरामदगी हुई है। गठित टीम ने छापेमारी अभियान चलाकर दोनों चोरों मोहम्मद आकिब और कृष्ण कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार दोनों चोर गिरोह में शामिल अन्य साथियों के साथ मिलकर आए दिन शहर के विभिन्न मोहल्लों में बंद घर की दिन में रेकी कर रात के अंधेरे में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। उन्होंने आगे बताया कि गिरोह में शामिल अन्य चोरों की गिरफ्तारी को लेकर निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। चतरा से चंद्रेश शर्मा की रिपोर्ट।